नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में लिंगायत मुद्दा गरमाया, कांग्रेस ने लिंगायत धर्म को अलग दर्जा दिए जाने की वकालत। भाजपा ने कहा राहुल कर रहे हैं भ्रमित। दलित मुद्दे पर बोले मोदी, अंबेडकर पर राजनीति करना नहीं है उचित, सरकार है हमेशा दलितों के साथ। हिरण शिकार मामले में गुरुवार को आएगा फैसला, सलमान सहित सभी आरोपी सितारे पहुंचे जोधपुर, 20 साल पुराना है मामला। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार घिरी, अनाज घोटाले में फर्जी गाड़ियों से हुई राशन की निकासी, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के मतदाता सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कांग्रेस ने इसे अलग धर्म का दर्जा दिए जाने की वकालत की है। इस मामले पर धर्म संकट में फंसी भाजपा के लिए कांग्रेस का लिंगायत कार्ड मुसीबत बन चुका है। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटों पर होने वाले चुनाव में लिंगायत समुदाय 100 सीटों पर अपनी पकड़ रखता है, इसलिए दोनों ही दल लिंगायत से जुड़े मठ और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर लिंगायत मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के प्रयास में लगे हैं। लिंगायत समुदाय को रिझाने के लिए दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के मुखिया, चाहे राहुल गांधी हो या भाजपा के अमित शाह, दोनों ही लिंगायत से जुड़े धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर समाज में पकड़ बनाना चाह रहे हैं। लिंगायत कार्ड खेलकर कांग्रेस ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कर्नाटक चुनाव में 224 सीटों में से 100 सीटों पर लिंगायत का असर रहता है। इस वजह से कर्नाटक में अब तक 6 बार लिंगायत समुदाय से मुख्यमंत्री बना है। देखना है कि अमित शाह, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, कर्नाटक में भाजपा को जिता पाते हैं या नहीं। फिलहाल राहुल गांधी ने लिंगायत धर्म को अलग से दर्जा दिए जाने की मांग के बाद में भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने एक जो रिजोल्यूशन पास किया है लिंगायत वीर सर्व संप्रदाय के लिए, वो रिजोल्यूशन के बारे में सबने चिंता व्यक्त की। मैंने भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वहां पर स्पष्ट किया कि यही दरखास्त 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार, जिसके प्रधानमंत्री कांग्रेस के मनमोहन सिंह थे, सोनिया जी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और नेशनल एक संस्था बनी थी, इसकी अध्यक्षा थी, उसने इसको खारिज कर दिया था। 4.5 साल सरकार चलाने के बाद सिद्धरामैया जी ये दरखास्त लेकर आए हैं। ये और कुछ नहीं है, चुनाव में लोगों को गुमराह करने की एक षड्यंत्र है, और कर्नाटक की जनता इस षड्यंत्र को भली भांति समझती है और हम इसको सफल नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 15 मई को मतगणना होगी। एससी और एसटी कानून में संशोधन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अंबेडकर को राजनीति में घसीटने की बजाय उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार हमेशा दलितों, आदिवासियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर हमेशा गंभीर रही है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि अंबेडकर को राजनीति में घसीटने के बजाय उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को जितना सम्मान उनकी सरकार ने दिया, किसी और सरकार ने नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अंबेडकर के नाम पर केवल राजनीति की गई। उन्होंने कहा कि अटल सरकार के समय अंबेडकर से जुड़े 2 भवनों के निर्माण की योजना बनाई गई थी, इसके बाद की सरकारों ने केवल राजनीति की, अब जाकर हम उस योजना को पूरा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उसका शिलान्यास जब किया गया था तो कहा था कि 2018 अप्रैल में इसका लोकार्पण किया जाएगा।
13 अप्रैल को इसका लोकार्पण है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर का जन्मदिन है। पीएम मोदी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का जिक्र कर रहे थे जिसका उद्घाटन होने वाला है। जो हमने करके दिखाया है बाबा साहब अंबेडकर को, शायद किसी सरकार ने इतना मान सम्मान और श्रद्धांजलि नहीं दी होगी जो इस सरकार ने दी है। और इसलिए बाबा साहब को राजनीति में घसीटने के बजाय बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो रास्ते दिखाए हैं उस रास्ते पर चलने के लिए हम सब अगर प्रयास करेंगे जिसके अंदर बंधुता इसका महात्मा है, उस बंधुता को छोड़ करके हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें हर किसी के कल्याण के लिए सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के हम चले हैं और हम समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के हकों के लिए जीने मरने वाले लोग हैं और हम जीवन भर समाज के, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमको यही रास्ता दिखाया है कि समाज का जो आखिरी छोर पर बैठा है उसकी सबसे पहले चिंता करनी चाहिए और सरकार की ये जिम्मेवारी होती है और सरकार उस दायित्व को निभा रही है। मैं फिर एक बार इस पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। 20 वर्ष पूर्व जोधपुर शहर के निकट कांकाड़ी गांव में फिल्म अभिनेता सलमान खान को काला हिरण का शिकार करने को उकसाने के आरोपी सैफ अली खान, नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे बुधवार दोपहर की फ्लाइट से जोधपुर पहुंच गए। इस मामले में मुख्य आरोपी सलमान खान के बुधवार शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। गुरुवार को सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की कोर्ट में हिरण शिकार मामले में फैसला सुनाया जाएगा। जोधपुर शहर से सटे कांकाड़ी गांव की सरहद में 20 वर्ष पूर्व दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में गुरुवार को सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की कोर्ट फैसला सुनाएगी। इस मामले में सैफ अली, नीलम तब्बू और सोनाली बेंद्रे सह आरोपी हैं। इन सब पर आरोप है कि कांकड़ी गांव में काला हिरण दिखाई देने पर इन चारों ने सलमान को उसे गोली मारने के लिए उकसाया। इस कारण कल आने वाले फैसले के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए ये सभी फिल्मी सितारे आज जोधपुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट से सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। काला हिरण शिकार प्रकरण के मुख्य आरोपी सलमान खान भी विशेष विमान से जोधपुर शाम को पहुंचे। उनके साथ दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता के आने की भी उम्मीद है और दो वकील भी आएंगे। काला हिरण शिकार प्रकरण में भले ही पांचों आरोपी हैं लेकिन कोर्ट में पेश होने के लिए सलमान हमेशा अलग से आते रहे हैं। देखना होगा कि गुरुवार को अदालत का फैसला आने तक सलमान खान और अन्य फिल्मी सितारों की धड़कनें तो तेज रहेंगी क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट 9/51 और 9/52 के तहत इसमें 3 साल की जेल या अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन मामला एक्ट में संशोधन से पहले होने के चलते इसमें जमानत भी मिल सकती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर बिहार के चारा घोटाले की तरह राशन घोटाले के आरोप लगे हैं। मुसीबतों और केजरीवाल का चोली दामन के साथ की तरह कोई न कोई विवाद हमेशा बना रहा है। एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर 10,589 राशन किट चोरी किए जाने के आरोप सामने आए हैं जिस पर विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2016-17 में दिल्ली में राशन में बंटने वाला गेहूं एफसीआई के गोदामों से गायब होने की खबर से केजरीवाल सरकार विवादों में घिर गई। बिहार में हुए चारा घोटाले की तरह अब दिल्ली में अनाज घोटाला सामने आया है। जानकारी में आया है कि वर्ष 2016-17 में एफसीआई गोदामों से 10,589 राशन किट 207 गाड़ियों से सप्लाई होना दिखाया गया। आश्चर्य वाली बात यह है कि जिन 207 गाड़ियों में माल सप्लाई होना दिखाया गया उसमें 42 गाड़ियों का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। वहीं यह अनाज जिन नंबर की गाड़ियों से भेजा गया उन गाड़ियों के नंबर स्कूटर, बाइक और टेम्पो के नाम से रजिस्टर्ड है। इस मामले पर भाजपा ने सरकार की मिलीभगत के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा 1989 बैच के अफसर इंदु भूषण को कंपलसरी रिटायर दे दिया है। वे अभी एपीओ चल रहे थे। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से नवंबर 2017 में राजस्थान के आईपीएस अफसरों का कराए गए प्रदर्शन के आंकलन के बाद यह आदेश जारी किया गया। गृह मंत्रालय की यह सूचना राज्य सरकार को मिल चुकी है। राजस्थान में किसी अधिकारी को कंपलसरी रिटायरमेंट देने का यह पहला मामला है। इससे पहले जनवरी 2018 में ही गृह विभाग ने इंदु भूषण को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उन्हें निलंबित नहीं किया गया था। इंदु भूषण पर मीडिया से बात करने और डीजीपी की बैठक में एक सीनियर आईपीएस को अपशब्द कहने सहित कई आरोप हैं।
इंदु भूषण को 5 बार एपीओ किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कई माह पहले उन्हें एपीओ किया था। खास बात यह है कि लगभग 26 साल की नौकरी में इंदु भूषण को 5 बार एपीओ किया जा चुका था। इस संबंध में आईपीएस इंदु भूषण का कहना है कि कंपलसरी रिटायरमेंट करने के बारे में सूचना मिली है, लेकिन अभी तक आदेश नहीं मिले हैं। आदेश मिलने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 25 साल की सेवा या 50 साल की आयु, 15 साल की सेवा और 5 साल की सेवा पूरी करने वाले राजस्थान कैडर के 21 अफसरों के परफॉर्मेंस का आंकलन किया था। इनमें से 1989 बैच के अफसर इंदु भूषण को कंपलसरी रिटायर करने के लिए सिफारिश की थी। कमेटी की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंदु भूषण को रिटायर कर दिया है, जबकि अन्य 20 आईपीएस अफसरों का प्रदर्शन ठीक रहा, जो भविष्य में भी राज्य के लिए सेवाएं देते रहेंगे। सरिस्का बाग परियोजना में लापता ST5 बाघिन का 1.5 माह बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि रेडियो कॉलर के सिग्नल मिलने के बावजूद वन कर्मचारियों को बाघिन का पता नहीं लग पा रहा। वन कर्मचारियों के अनुसार बाघिन बार बार अपनी लोकेशन बदल रही है। ऐसे में वन कर्मी सिग्नल के अनुसार उसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाघिन के पग मार्क नहीं मिल पा रहे। गौरतलब है कि लगभग 1.5 माह पहले से ही लापता बाघिन ST5 जहां उसकी टेरिटरी अकबरपुर रेंज के उमरी रोड कला में थी, उसके बाद फिर उसके रेडियो सिग्नल नहीं मिलने के बाद सदर रेंज में सिग्नल मिलने लगे थे, जहां उसके शतरंज की ऑल ग्वाल के जंगल में सिग्नल मिलने के बाद वन विभाग में तसल्ली आ गई थी। फिर उसकी खोज में अतिरिक्त पार्टियां भी लगाई गई। अब रात में वह ताल वृक्ष रेंज में पहुंच गई बताई है, जहां उसके रेडियो कॉलर के सिग्नल अलग अलग जगह मिलने लगे हैं, पर अभी तक ना तो कैमरे में वो कैद हो पाई है और ना ही उसके किसी तरह के पग मार्क मिल पाए हैं। अगर शावक के साथ कैमरे में फोटो मिलती है तो सरिस्का प्रशासन के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइन। कर्नाटक में लिंगायत मुद्दा गरमाया, कांग्रेस ने लिंगायत धर्म को अलग दर्जा दिए जाने की वकालत, भाजपा ने कहा राहुल कर रहे हैं भ्रमित। दलित मुद्दे पर बोले मोदी, अंबेडकर पर राजनीति करना नहीं है उचित, सरकार है हमेशा दलितों के साथ। हिरण शिकार मामले में गुरुवार को आएगा फैसला, सलमान सहित सभी आरोपी सितारे पहुंचे जोधपुर, 20 साल पुराना है मामला। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार घिरी, अनाज घोटाले में फर्जी गाड़ियों से हुई राशन की निकासी, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।